So today we will start with a new chapter, the new unit as well. So first we will talk about purchase and sale. उसके बाद हम अलग अलग टाइप के जो होम ट्रेड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा. आज आप थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल के बारे में पढ़िए. उसके बाद वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेलिंग फॉर्म्स, जैसे कि रिटेल ट्रेड है और होलसेल ट्रेड है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, सर्विसेज क्या होती है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. सो वी मस्ट नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल. अब वैसे हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग रोज देखते हैं कि हम बहुत सारा सामान खरीदते और बेचते हैं. बहुत सारा सामान हम मार्केट जाते हैं, हमारे पेरेंट्स मार्केट जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, कुछ सामान खरीद के लाते हैं. स्टेशनरी मटेरियल फॉर एग्जांपल, कॉपीज आप खरीद सकते हैं, पेंसिल, स्केल, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप खरीदते हैं. तो ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल आपको नजर आता है. हाउएवर इफ यू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. और आप देखेंगे अभी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि देर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन मेक पेमेंट्स. केवल यही नहीं है कि आप परचेज सेल कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं. इसके अलावा जो पेमेंट आप करते हैं उसमें भी अलग अलग तरीके के इन्वॉल्व. तो इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परचेज? परचेज इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन गेट्स द ओनरशिप ऑफ सम गुड्स और प्रॉपर्टीज transferred in his name from another means another person on the payment of money. सबसे पहली चीज इसमें goods and services या goods और properties आपको transfer की जाती हैं आपके नाम पर. तो जब आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और उसके बाद generally बोला जाता है कि आप cash memo ले लीजिए, आप invoice ले लीजिए, काफी बार बोला जाता है क्योंकि सरकार का ये मानना है कि tax की चोरी हो जाती है अगर आप कैश मेमो या इनवॉइस नहीं देते हैं, उन लोगों से प्रिंटेड इनवॉइस नहीं लेते हैं. जो दूसरा पक्ष है इसका वो ये है कि कैन एवरीबॉडी प्लीज गो ऑन म्यूट, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अगर वो ऐसे पुड़िया खा रहा है. ओके, तो ये परचेज एंड सेल, परचेज के अंदर आप उससे अगर कैश मेमो या इनवॉइस लेते हैं तो दिस बिकम्स एन एविडेंस दैट यू हैव परचेज्ड इट एंड द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कल को आप उस दुकान पर जाते हैं और आप उस दुकानदार को नहीं जानते हैं या कम जानते हैं तो दुकानदार आपके साथ बेईमानी भी कर सकता है वो. और बेईमानी क्यों? अगर वो आपको नहीं जानता है, उसकी दुकान में रोज 10,000 कस्टमर आते हैं, आप जाके बोले सामान खराब है, आज अभी मैं ले गया था आधा घंटा पहले, तो कहेगा आप मुझे बिल दिखा दीजिए. तो इस तरीके का डायलॉग ना आए इसके लिए भी इनवॉइस बहुत जरूरी है. तो इससे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पता चलती है क्योंकि दुकानदार के पास एक पैकेट था, वो आपको उसने दिया, क्या सबूत है कि आप ओनर हो गए उसके, राइट? तो ये जो है ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जिस आदमी के पास से आ रही है ओनरशिप उसको सेलर बोलते हैं, जिसके पास आ गई उसको हम बायर बोलते हैं. खैर ये बहुत ही सिंपल हम लोगों के पास एग्जाम्पल भी है और हम लोगों को समझ में भी आता है. सो आई विल नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन दिस. हाउएवर लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट अ बायर नीड्स टू कंसिडर बिफोर ही परचेजेस. बायर को क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होती है, क्या प्रोसेस वो फॉलो करता है बिफोर ही फाइनली मेक्स अ डिसीजन ऑफ परचेज. जो फाइनल में वो परचेज करने का फैसला करता है उससे पहले वो क्या चीजें ध्यान में रखता है. तो अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ये चीजें आप लोगों को भी लगेंगी कि ये चीजें पीछे हुई हैं, ये एक्टिविटीज पीछे हुई हैं आपके साथ भी. द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई हिज और हर नीड्स. आप जब किसी भी दुकान में जा रहे होते हैं उससे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको क्या चाहिए. इवन इफ यू वॉन्ट टू बाय अ स्टेशनरी प्रोडक्ट, यू आर बीइंग वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट यू वॉन्ट टू परचेज. आप नोटबुक खरीदना चाहते हैं, आप पेंसिल बॉक्स खरीदना चाहते हैं, आप बैग खरीदना चाहते हैं, कि आप क्या खरीदना चाहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें. और ये सबके साथ होता है. हम लोग मार्केट जाते हैं तो लिस्ट बना के जाते हैं कि ये 10 सामान मुझे खरीदने. कपड़े खरीदने हैं तो एक
एक माइंड में आइडिया होता है कि इस तरीके का प्रोडक्ट हमें खरीदना है, ऐसा कपड़ा, ऐसा पैंट या ऐसा शर्ट हमको खरीदना है। दूसरा, एट्रीब्यूट्स ऑफ द कमोडिटी एंड द सर्विस ऑफ दैट कमोडिटी। जो भी आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, सर्विस लेने जा रहे हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि उसका कलर क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, और कहां जाना है आपको, ये भी एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। आप साधारण कपड़े खरीदना चाहते हैं तो उसकी दुकान अलग होती है, फैशनेबल क्लोथ चाहते हैं उसकी दुकान अलग होती है। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो ये है कि कलर, शेप, साइज, फैशन, किस तरीके का आपको खरीदना है कमोडिटी, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपको कहां है और क्या खरीदना है। प्राइस अफोर्डेबिलिटी, पहले ही आपको पता है कि आपकी जेब में 500 रुपए, 1000 रुपए, बेसिस दैट यू वॉन्ट टू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू परचेज। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट हर प्रोसेस में सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, जब भी हम कोई कपड़े खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि हम किस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं, किस तरीके का कल्चर हमारे यहाँ प्रेविलेंट है, उस तरीके के हम कपड़े खरीदते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, उस तरीके की चीजें हम खरीदते हैं। अब मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप लोग कभी नॉर्थ ईस्ट गए हैं या नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते हैं या पिक्चर्स देखी हैं या कुछ इस तरीके की चीज आपने एक्सपीरियंस की है, उनका सोसाइटी और उनका कल्चर अलग है। उनके कपड़े पहनने का ढंग अलग है, उनके खाने पीने का ढंग अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, वहां के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो आपको टेस्ट अलग आएगा। तो ये उनके सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। उनके कपड़े पहनने का ढंग अलग है। मणिपुर जाइए, आप नागालैंड जाइए और उनके रूरल एरियाज में जाइए, दे वेयर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग और उनकी दुकानों में ये चीजें ज्यादा मिलेंगी, पैंट शर्ट कम मिलेगी आपको। ये उनके सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। तो आप जहां पर जो रह रहे हैं, जहां पर अपनी डेली लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, वहां के सोशल और कल्चरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं व्हाइल यू आर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। ठीक है, तो ये चीजें आप, ये पांच स्टेप्स, ये चार स्टेप्स ऐसे हैं जो आप इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग ध्यान में रखते हैं कि आपको खरीदना है और उसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है। ये चीजें आपको ड्राइव करती हैं टू मेक अ डिसीजन टू परचेज सर्टेन थिंग्स। अब दो तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जब आप खरीदने जाते हैं, तो जो बेचने वाला है उसके लिए भी और आपके लिए भी, कि पहला वो कैश आप ट्रांजैक्शन कर लें, आप उसको पैसा दे दें और आप सामान खरीद लें। दूसरा, आप क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं। तो क्रेडिट पे खरीदने के अब दो तरीके हो गए। पहला तो आप लोकल दुकानदार को अच्छे से जानते हैं, महीने में एक बार आप पेमेंट करते हैं और पूरे महीने का आप सामान ले आते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आजकल क्रेडिट परचेज ऐसी भी हो गई है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप टिपिकली क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो आदमी, जिस दुकानदार से आप खरीद रहे हैं, सेलर को तो इमीडिएटली पेमेंट मिल जाता है, लेकिन आपका उधार बैंक पर हो जाता है। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 50-55 डेज, जो उस क्रेडिट कार्ड की टाइम पीरियड होती है, उसके अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कई चीजें इस पे है नहीं, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए भी समझा दे रहा हूँ, बिकॉज दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल दीज डेज एंड वी आर लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली सीम्स टू बी द मोस्ट मॉडर्न सिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। दिल्ली इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट मॉडर्न सिटी इन इंडिया, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। वॉट आर द मोड्स ऑफ परचेज, तो पहला है परचेज बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद आप सामान खरीदते हैं। तो क्या चीज करते हैं, जैसे आप किसी दुकान में गए, कोई क्लोथिंग प्रोडक्ट खरीदने गए, टी शर्ट, पैंट, राइट, कुर्ता पजामा, कुछ भी इस तरीके का खरीदने गए, तो आप इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब आप उसको साइज लेने के लिए चेंजिंग रूम में जाते हैं, उसमें बदल करके देखते हैं ट्रायल रूम में कि आपको ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर आप उसको खरीदने या ना खरीदने का डिसीजन लेते हैं। सब्जियां खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, तो चीजों को चुनते हैं आपकी खराब सब्जी या खराब फ्रूट ना आ जाए, राइट। तो ये आपको इंस्पेक्शन की चांस मिल जाती है इन लॉट ऑफ रिटेल बाइंग आउटलेट्स जो आपके घर के आसपास होते हैं या मॉल चले जाते हैं आप वहां पर, राइट। मॉल में तो बहुत सारी डिस्प्ले पर होती हैं चीजें, आप
किसी दुकान में जाइए मॉल के अंदर, तो काफी कपड़ों की दुकानों पे डिस्प्ले लगा हुआ होता है, आपको कोई चीज ऊपर से निकाल के पैकेट से निकालने की जरूरत नहीं होती, हैंगर्स पे लगा हुआ होता है, आप जस्ट देखते हैं उसको और आप पसंद कर लेते हैं मुझे पसंद है। देयर इज वेरी लेस स्टॉक इन द स्टोर इन दीज टाइप ऑफ शॉप्स, तो इसलिए जो है इंस्पेक्शन से आप खरीद लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ये रिटेल मार्केट में होता है, होलसेल में ये चांस नहीं होता आपके पास, होलसेल में ये चांस नहीं होता। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जो आदमी आपको ठेले पर आलू प्याज और बाकी सब्जियां बेचता है भिंडी, ये आदमी जब मंडी में जाता है तो वो 2 किलो 4 किलो सब्जी लेके नहीं आता है जो आप खरीदते हैं, वो तो 15-15 किलो सब्जी लेके आता है, तो उसके पास वहां बैठकर आलू छांटने का टाइम नहीं होता है, ना उसको टाइम दिया जाएगा ना उसके पास होता है। मंडी में जब आप जाते हैं तो आप जल्दी इसलिए जाते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, तो उसके अंदर आप ये चीज ध्यान में रखिए कि जो 15 किलो आलू लाता है हो सकता है उसमें से 1-1.5 किलो खराब आलू निकले, प्याज खराब निकले, भिंडी खराब निकले, तो उसको फेंकना पड़ता है, उसके पास ऑप्शन नहीं होता, और फेंकेगा नहीं तो नीचे रखेगा, वो एक दिन में खराब हो जाएंगे और खराब हो जाएंगी, नीचे रखोगे तो नीचे जितना माल है उसको भी खराब करना शुरू कर देगा। आलू का फीचर है, जरा सा भी आलू के अंदर से अगर पानी निकल रहा होता है उसको आप ढेर के रख दीजिए आलू के, 4-5 आलू एक दिन में खराब कर देगा। तो इस तरीके का ऑप्शन होलसेल मार्केट के अंदर नहीं है आपके पास, आपको सीधे एक बोरा मिलता है, बोलता है 10 किलो आलू, वो बोलता है वो छोटा बोरा रखा है ले जाओ, ही पेज द मनी एंड ब्रिंग्स इट ओवर हियर, तो जो वेस्टेज हो जाती है उसकी कॉस्ट वो हमसे लेता है। एग्जाम्पल, 150 रुपए के 10 किलो आलू खरीद के लाया, वो 1 किलो आलू 15 रुपए का हुआ, मान लीजिए जब वो बेचने निकला तो उसे पता चला कि 8 किलो ही आलू ठीक है, 2 किलो तो बेकार है आलू, सड़ा हुआ है, बेच ही नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो क्या करेगा, कॉस्टिंग कैसे करेगा, 150 / 8 कर देगा, 150 / 10 की जगह, तो कितना हो गया, 17-18 रुपए किलो आलू होगी, क्योंकि वो वेस्टेज की कॉस्ट कहां से लाएगा, आप तो चुन के लेंगे, आप थोड़ी वहां पर, हम लोग जब दुकानों में जाते हैं आलू प्याज खरीदने तो हम पूरा भर लेते हैं, तो इसलिए जो है इंस्पेक्शन का चांस वो रिटेल आउटलेट्स पर मिलता है, होलसेल आउटलेट्स पर नहीं मिलता। परचेज बाय सैंपल और पैटर्न, दिस इज वन मोर मेथड ऑफ परचेजिंग, कि किस तरह से आप खरीद सकते हैं। तो जब आप किसी सामान को बल्क में खरीदते हैं, खासतौर पर होलसेल मार्केट में, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप बल्क में ही खरीद सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कील खरीदने आप अगर जाते हैं तो कील आपको ऐसे नहीं देगा, वो 15 कील दे दीजिए, 20 कील दे दीजिए, ऐसे नहीं देता, वो कील जो है आपको वे करके देता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। तो जो कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, या इस तरीके का प्रोफेशन वाले लोग हैं, इन लोगों का क्या चीज है, ये लोग जो है आपको ओवर आपको सामान देते हैं, तो वो 1 किलो 2 किलो कीले दे रहे हैं या कुछ और, उसमें इंस्पेक्शन करा देते हैं कि भाई ये मेरे पास ढेर है, इसमें से 10 कील देख लो, ठीक है, अच्छा ओके, वी विल पैक इट। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग। कपड़े के अंदर अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप 10 या 15 मीटर का कपड़ा खरीदना चाहते हैं किसी चीज के पर्पस के लिए, तो वो पूरा आपको जो उसकी लेंथ का कपड़ा होता है, 50 मीटर का कपड़ा खोलकर नहीं दिखाता है कि ये सारा ठीक है, कपड़ा छू के देखते हैं, आप पसंद करते हैं, एंड देन यू से ओके ठीक है, इसका 10 मीटर दे दीजिए मुझे, 20 मीटर दे दीजिए। कर्टन्स बनवाने आपको फॉर एग्जांपल आप खरीदने गए, तो कर्टन्स मान लीजिए आपके टोटल घर के अंदर जितने कर्टन यूज होंगे वो 20 मीटर के, तो 20 मीटर कपड़ा चेक नहीं करते हैं आप, शुरू का 1 मीटर देखते हैं और बोलते हैं काफी अच्छा है, छू के देखते हैं, पसंद करते हैं, रेट्स वगैरह पूछते हैं, यू से दैट आई वांट 20 मीटर्स पैकेट, तो वो आपको 20 मीटर काट के आपको पैक कर देते हैं। उसके बीच में अगर कोई दाग है, कोई निशान है, तो अब है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। दिस इज बाय सैंपल। अगर आप 20-20 मीटर कपड़ा चेक करने बैठेंगे तो एक तो आपका टाइम वेस्ट, ऊपर से वो जो दुकान में बेचने वाला है उसका तो बुरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एक एक कस्टमर आके 20-20 मीटर कपड़ा चेक करेगा तो व्हाट टाइम ही विल गेट टू सेल द प्रोडक्ट। तो दिस इज परचेज बाय सैंपल एंड पैटर्न, ठीक है। Purchase by description or brand. Now this is one very important aspect. आज की डेट में purchase by description and purchasing by brand has become very very important. Brand तो मतलब आज की डेट में इतना important हो गया है कि हम लोग कुछ चीजों को by name खरीद लेते हैं।
बाई नेम ऑफ इट्स ब्रांड खरीद लेते हैं। कोलगेट ज्यादातर घरों में अवेलेबल है, आपको जाकर के कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, दिखाइए इसमें पेस्ट सफेद निकलता है नहीं निकलता है, क्या है, लाल डिब्बा है पीला डिब्बा है, कोलगेट नाम सुनते हो आप खरीद लेते। मैगी प्रोडक्ट का नाम नहीं है, इट्स अ ब्रांड, आप खरीद लेते। टाटा टी खरीद लेते हैं, टाटा सॉल्ट खरीद लेते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो बाय डिस्क्रिप्शन या बाय द मेंशन ऑफ द नेम ऑफ द ब्रांड यू परचेज। तो ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, फ्रिज अगर आपको खरीदना है, टीवी खरीदना, सैमसंग एलजी मोबाइल खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, चलिए एप्पल तो बहुत रीचेबल नहीं बट मी एमआई करके जो फोन आता है, ओप्पो बहुत रीचेबल फोन है, आसानी सैमसंग फोन में बहुत आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं। तो ये चीजें जो है बाई ब्रांड और बाई डिस्क्रिप्शन इजिली आप खरीद लेते, शायद आप इंस्पेक्ट भी नहीं करते कि कितना इसके अंदर डिटेल है, क्या है क्या। तो इसको आप जो है, दीज आर द थ्री बेसिक मेथड्स ऑफ परचेस। ठीक है, अब एक चौथा मेथड आ गया है विच इज ऑनलाइन परचेसिंग। इसके अंदर आप यू व्यू द पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट, और कुछ ऐसे भी चीजें हो गई हैं। अब अगर आप लोगों ने, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों को इसमें इसकी जानकारी है कि जो चश्मे बनाने की कंपनी है लेंसकार्ट, एक ब्रांड है लेंसकार्ट जो चश्मे बनाती है, ऑनलाइन चश्मा बेचती है और इंक्लूडिंग पावर ग्लासेस और सनग्लासेस। तो जो पावर ग्लासेस है अगर आप उनको अपनी रीडिंग उनको बता दें कि ये मेरे लेफ्ट और राइट आंख का मेजरमेंट है, रीडिंग पैटर्न है, तो वो आपको लेंस भी बता देगी, आप चश्मा उसको चुन लीजिए और वर्चुअली वो चश्मा आपकी आंख पर लगा देगी। वर्चुअली ऐसा उनका सॉफ्टवेयर है कि आप स्क्रीन में कैमरा ऑन करके ऐसे देखेंगे तो वो आपकी आंख पर चश्मा आप देख सकते हैं, अच्छा ये फ्रेम मेरे ऊपर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो दिस इज व्हाट इज ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन परचेजिंग हैज टेकन द एंटायर गैमट ऑफ परचेजिंग टू अ नेक्स्ट लेवल। अमेजोन पे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और एक दो चीजें और हैं जिसमें आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट जैसे प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी आपको जो है अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज मिलती है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ये तीन चार तरीके के बेसिक परचेज मेथड्स हैं। अब सेल्स के मेथड्स भी एक बार आप देख लीजिए, जो सेलर है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, हाउ ही सेल्स अ प्रोडक्ट टू टू यू रिटेलर को या होलसेलर को, एक बिजनेसमैन कैसे प्रोडक्ट बेच सकता है। तो हायर परचेज मेथड इज द फर्स्ट मेथड, इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इन इंस्टॉलमेंट्स, हाउएवर गुड्स आर रिगार्डेड एज बीइंग ऑन हायर अंटिल ऑल द इंस्टॉलमेंट्स अपीयर। सबसे पहली चीज कि आपको प्रोडक्ट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आप रख लीजिए, आप यूज करिए, लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट का पूरा पेमेंट नहीं कर देते, इस प्रोडक्ट को रेंटल माना जाएगा, हायर माना जाएगा। हायर का मतलब होता है रेंटल, एच आई आर ई, हायर का मतलब होता है रेंटल। तो जब तक आप सारी इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट की नहीं भर देते हैं, तब तक इसको हायर्ड प्रोडक्ट माना जाएगा, रेंटल प्रोडक्ट माना जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हैं इसकी सारी इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो The owner has the right to forfeit the product once again. अगर owner जो है वो चाहेगा, अगर आप फेल हो गए पेमेंट करने में, इंस्टॉलमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत हो गई, सब हो गया, आप इस स्थिति में नहीं है कि आप उसकी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, तो आपको आकर के सेलर आपका प्रोडक्ट आपसे वापस ले सकते हैं। तो ये चीज जो है हम लोगों को ध्यान में रखनी। तो दो फीचर्स है इसके, पहला द प्रोडक्ट रिमेन्स ऑन रेंटल, the ownership is not transferred to the buyer, it is with the seller only, or installments ko aur jo payment hai usko chote chote installments mein baant ke over a period of time payment karna hai. Theek, sale through installment payment system. Now there is a second method in which the seller can provide you the sales through installment payment system. Goods are sold and payment is agreed to be made in installment. It is also known as deferred installment plan of sale. If there is a default in the payment of any installment of the buyer, the seller cannot ask for the goods to be returned.
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम को अलग करता है। इसमें भी बिल्कुल सेम है, इंस्टॉलमेंट पर आप पेमेंट अग्री कर लेते हैं कि 12 महीने 24 महीने में छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपको ये पेमेंट करूंगा, लेकिन इसमें ओनरशिप प्रोडक्ट की इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है बायर को। मैं खरीद रहा हूं तो मेरे को इमीडिएटली मिल जाएगी ओनरशिप, सेलर के पास नहीं रहेगी। तो जो ऑप्शन बचता है सेलर के पास, अगर मान लीजिए मैंने 10 महीने के बाद पेमेंट करनी बंद कर दी, मैंने बात करनी बंद कर दी, मैं कुछ सुन नहीं रहा सेलर की, तो सेलर केवल कोर्ट जा सकता है पेमेंट रिकवर करने, और कोई ऑप्शन सेलर के पास। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इट्स अ कंडीशनल सेल। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन द पेमेंट विद अंडरस्टैंडिंग दैट बायर कैन रिटर्न गुड्स टू द सेलर and claim return, refund within a specified period if the goods do not meet his requirement. बहुत सारे products आपने notice किया होगा market के अंदर ऐसे मिलते हैं जिसको आप एक specific condition पे खरीदते हैं, अगर product खराब निकला तो मैं आपको वापस कर दूंगा। अब तो बहुत सारी companies और products ऐसे हैं जिसमें organizations बोलती हैं कि खरीदिए 30 days money back guarantee, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा। money back guarantee क्या है? कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा हम वापस कर देंगे, यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग हैं, वेरी इंटरेस्टिंग केस मैं आप लोगों को बताता हूं, ये इधर डिफेंस कॉलोनी और ग्रेटर कैलाश और इस जगहों पर, जिन लोगों के बाल नहीं आते हैं सर पर, उनको बाल उगाने के बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए। तो ये लोग क्या लिखते हैं अपने बोर्ड्स पर, मैंने कई बार देखा है कि अगर आप डिससैटिस्फाइड है विद द ट्रीटमेंट दैट वी हैव गिवन यू, तो बॉल्डनेस ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको 30 दिन में मनी बैक दे देंगे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग येट डेंजरस कॉन्सेप्ट। आप कैसे जज करोगे किसी का सेटिस्फैक्शन? इतना पेनफुल प्रोसेस होता है वो बाल उगाने वाला, आप सर पर आपके बाल उगे या नहीं उगे, 30 दिन के बाद वो आदमी आके बोलता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं आई एम एक्सट्रीमली दिस इज पेनफुल, गिव मी मनी। आप सुना बोलेंगे सर पे बाल उग गए हैं, आपको हम पैसा नहीं देंगे। भाई सेटिस्फैक्शन का जरूरी नहीं है एंड प्रोडक्ट से कोई रिलेशन हो, तो इसलिए जो है दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रोसेस ऑल्सो। एमेजॉन के अंदर आप खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग है जिसमें आपको 15 दिन 20 दिन 10 दिन 30 दिन का टाइम मिलता है प्रोडक्ट को रिटर्न करने का। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, Amazon में काफी केसेस हैं इनजेन्युइन, Amazon का खुद का क्लेम है ये कि हिंदुस्तान में बहुत लोग फायदा उठाते हैं इस प्रोसेस का और यूज करके प्रोडक्ट वापस कर देते हैं, एक दो दिन पहन ली टी शर्ट बिना टैग उतारे और वो अच्छी नहीं लगी, किसी ने बुराई कर दी तो उसको हल्का सा वो डीओ छिड़का और वापस पैक किया, क्योंकि Amazon की ये वो है कि उसका डिब्बा तो आपको खोलना ही पड़ेगा, पॉलिथिन से तो बाहर निकालना पड़ेगा। इफ यू डोंट लाइक, भाई आपको नहीं पसंद आई है तो वो आपको बाहर से दिख जाएगा कि आपको पसंद नहीं है, साइज नहीं फिट हो रहा है तो वो जस्ट आप घुसाना चाहोगे उसी से पता चल जाएगा। बट Amazon का रिसर्च टीम ये कहती है कि दे हैव सीन रिफंड क्लेम्स इन विच पीपल हैव यूज्ड द प्रोडक्ट लाइक शूज, एक दिन पहन के चल लिए और आके बोलते हैं शूज काट रहा है ठीक नहीं है और वापस कर देते। तो देखिए वैसे भी शूज के अंदर वही मैंने कहा बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है, जब तक मैं पहनूंगा नहीं शूज और पहन के चलूंगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो शूज मेरे साइज के हैं कि नहीं, वो ठीक बैठ रहे हैं कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही पैर, और वो भी कम से कम एक दो घंटा तो हम चलेंगे। शॉप के अंदर तो हमें ये फायदा होता है कि वही पहन के देखते हैं, अगर लगता है साइज फिट नहीं है कोई और प्रॉब्लम है तो वही रिटर्न हो जाता है, तो शॉपकीपर जो है वही पहनाता है। सो दिस इज अनदर अप्रूवल बेसिस की जो सेल्स होती है वो इस तरीके की। नाउ सेल थ्रू टेंडर, ये जनरली भारत सरकार या राज्य सरकारें जो हिंदुस्तान में है आप देखेंगे बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर का पोर्शन होता है जिसमें खाली टेंडर्स या एडवर्टीजमेंट्स या जॉब्स के बारे में लिखा हुआ होता है, उसमें आप ध्यान से पढ़िए टेंडर्स निकलते हैं। और टेंडर्स ये होते हैं कि जब भारत सरकार कोई अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना चाहती है किसी भी तरीके का, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी भी जिले में डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी स्टेट सारे स्कूल्स को इंटरनेट की लाइन से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है,
भाई हर स्कूल इंटरनेट पे होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, आज की डेट में तो वैसे भी स्कूल्स इंटरनेट पे होनी चाहिए, तो भारत सरकार एक टेंडर निकालती है नॉर्मली कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करें इस टेंडर में जिनके पास इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका हो, कि वो सारे स्कूल्स को यूपी के या दिल्ली के इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, सक्सेसफुली इंटरनेट चले राइट, और क्लासेस हो और सर्विस भी प्रोवाइड करें, तो प्लीज अप्लाई। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो भी इस तरीके का काम करती होंगी, वो भारत सरकार को अपनी एप्लीकेशन भर करके देती है। और ये यूजुअली कॉम्पिटिटिव टेंडर होता है। कॉम्पिटिटिव टेंडर का मतलब कि बढ़िया से बढ़िया सर्विस कम से कम दाम में मुझे मिले और इफेक्टिव काम हो, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ऐसा कैसा काम किया हुआ है, कैसा नहीं किया हुआ है, हा? और क्या दाम लगाएंगे वो एक एक चीज का, तो ये सारी चीजें उसके अंदर काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है टेंडर डॉक्यूमेंट। तो ये चीज जो है सेल थ्रू टेंडर में होती है। उसके बाद जो सबसे कॉम्पिटिटिव और सबसे इफेक्टिव टेंडर कोर्ट होता है, कोर्ट बोलते हैं उसको, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि भाई इसको हम ये टेंडर दें। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा महंगा टेंडर भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट इनएक्सपीरियंस्ड कंपनी को टेंडर दे देती है, अप्रूव कर देती है उसका टेंडर। पता नहीं आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह कितना पढ़ते हैं, बट रफाइल करके एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान में एक दो आ गए, राइट, तो फाइटर प्लेन है, फ्रांस से हम लोगों ने खरीदा है, और इस बात की ट्रेनिंग फ्रांस एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है कि वो इसकी सर्विस करेगी, इसका मेंटेनेंस और इसका सर्विस जो है, क्योंकि ऑब्वियसली फाइटर जेट है, नीड्स रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन का मतलब ऑलमोस्ट एवरी फ्लाई के बाद पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो मेंटेन होता है, एवरीथिंग इज सीन वेरी केयरफुली, क्योंकि जिस कंडीशंस में वो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, जिस स्पीड से और जहां पर जिस एनवायरमेंट में फ्लाई करता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है एयरक्राफ्ट को, वो पूरा मेंटेन करना एक कंपनी की जिम्मेदारी है। जब टेंडर निकला था इनिशियली, जब कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, तो भारत सरकार ने टेंडर निकाला नहीं था और बोला था कि भाई ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL, हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, वो ये काम करेगी। उसके बाद अचानक एक सरकार ने एक टेंडर निकाला और टेंडर में कुछ एप्लीकेशन आई, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेन करने की हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी को तजुर्बा नहीं है, सारा तजुर्बा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है, जितने मेग्स और जितने जैगुआर्स और जितने और एयरक्राफ्ट हमारे पास है सुखोई, उन सबका मेंटेनेंस जो है ज्यादातर क्या 95% हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास, तो उनके पास इस तरीके की वर्क है, इस तरीके के एक्सपीरियंस भी है, स्टाफ भी है और सब कुछ है उनके पास, उनके पास एयरक्राफ्ट वर्कशॉप्स भी, तो उनके लिए बहुत आसान भी होता है इस काम को सीखना, प्रोजेक्ट आसानी से। सरकार ने जब टेंडर निकाला तो HAL ने भी भरा, एक नई कंपनी बनाई गई 2014 में, उसका नाम था रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, जिसको कोई तजुर्बा इस फील्ड में नहीं था, वो बनाई गई थी कंपनी, और 3 महीने बाद उस कंपनी ने इस टेंडर में अप्लाई किया, बनने के 3 महीने बाद उसको मिला टेंडर। तो इस तरीके के डिसीजंस भी टेंडर में सरकार लेती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी डिबेट हुआ, काफी कोर्ट तक पहुंच गया था ये मामला और बहुत सीरियसली चैलेंज हो गया था, लेकिन कोर्ट ने कुछ उसके पक्ष सुने और कहा कि भाई ये जो है एक तो डिफेंस डील वगैरह है तो इसको हम लोग चेक नहीं करते हैं, कोर्ट नहीं करेगी इसको चेक, और दूसरा टेंडर देना सरकार का काम है, उसको बहुत ज्यादा उसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है करके उसको नहीं सुना। बट ये भी एक एग्जांपल है कि इस तरीके के भी टेंडर सरकार देती है, तो ये एग्जांपल है। जैसे भारत नेट करके एक नई ऑप्टिकल फाइबर केबल से हिंदुस्तान की सारी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत नेट बोलते हैं, तो BSNL इन्वॉल्व है इसमें, उसने भारत नेट करके कंपनी बनाई है जो उसकी सब्सिडरी है, और वो हर ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट करके उससे इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है। तो गाँव में जो फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड बनने हैं, राशन कार्ड बनने हैं, जो आधार कार्ड का वैलिडेशन होता है, आप अंगूठा लगाते हैं आपको राशन मिलता है, ये सारी चीजें सब्सिडी मिलती है, बैंक अकाउंट खुलते हैं, कोशिश ये है सरकार की कि हर गांव तक ये इंटरनेट पहुंच जाए और अफोर्डेबल इंटरनेट हो और ग्राम पंचायतें
लोकल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस गांव में किस इंटरनेट के माध्यम से चल रहे हैं। तो ये एक स्कीम है जिसमें सरकार काम कर रही है, तो इसका टेंडर निकला था तो BSNL को मिला ये टेंडर, ठीक है। तो ये एक और टेंडर का तरीका है। ऑप्शन सेल, ऑक्शन सेल आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद जानकारी है, उसको नीलामी प्रक्रिया बोलते हैं। ऑक्शन सेल को नीलामी प्रक्रिया बोलते हैं। तो नीलामी प्रक्रिया ये होती है कि जो भी प्रोडक्ट किसी ओनर के पास है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई ज्वेलरी आइटम है, कोई एंटीक आइटम है एक्सेट्रा, उसको जो है बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्शन किया जाता है। इसमें क्या करता है, पहले की इंटरेस्ट मंगाया जाता है कि भाई हम ये प्रोडक्ट या ये ज्वेलरी आइटम या ये आइटम या ये प्रॉपर्टी हम ऑक्शन करने वाले हैं। इसका एक नोटिस निकाला जाता है और लोगों से कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मुझे भेजें, EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लोग बताएं कि हमको इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट को खरीदने, और उसकी एक बेसिक मिनिमम लाइन डिसाइड कर दी जाती है कि इतने प्राइस से स्टार्ट होगी इसकी ऑक्शन, मतलब इससे नीचे ठीक, उस पे उन्होंने ऑक्शन निकाल दिया। अब जितने लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया वो सब आ गए और सबने बोली लगाई। मान लीजिए 1,00,000 रुपए उसकी कीमत थी, तो किसी ने कहा 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, करते करते जो हाईएस्ट बिड बोलेगा और उसके बाद कोई और बिड नहीं बोलेगा, तो जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो सामान बेच दिया जाता है और वो उसका पेमेंट ओनर को कर देता है जिसको भी। ऑप्शन होता है जनरली, ऑप्शन का एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा ही आता है कि जब कोई सिक्योर्ड लोन लेता है, सिक्योर्ड लोन, तो अपनी बिल्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी को बैंक के पास सिक्योर करवा लेता है, रख देता है, उसके अमाउंट का लोन उसको मिल जाता है। मान लीजिए उसने उस लोन को वापस नहीं किया, जैसे विजय माल्या के केस में हुआ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसकी एक प्रॉपर्टी थी बैंड्रा में जिसका नाम था किंगफिशर हाउस, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस था इसका अपना, उसको फोरफीट कर लिया, जब्त कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और फिर उसको ऑक्शन करना शुरू किया। वो 125 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, हालांकि 3 बार ऑक्शन हुई किसी ने खरीदा नहीं, और उसने 125 करोड़ से शुरू करी किसी ने नहीं खरीदा, दूसरी बार ऑक्शन करी 100 करोड़ से शुरू करी किसी ने नहीं खरीदा, तीसरी बार ऑक्शन किया 80 करोड़ से शुरू किया, तब जाके 90 करोड़ में किसी बिजनेसमैन ने उस बिल्डिंग को खरीदा। तो ऑक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि इस तरह से ऑक्शन होता है। वॉश सेल्स एक और मेथड जो है, वॉश सेल्स का मतलब ये होता है कि जब आपका स्टॉक बहुत ज्यादा हो और सीजन खत्म हो रहा हो तेजी से, आपको लगे कि अब ये स्टॉक मेरा खत्म नहीं हो पाएगा, तो आप तेजी से उसको निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो एंड ऑफ सीजन सेल 70% डिस्काउंट, समर सेल, एनुअल सेल, एंड ऑफ स्टॉक सेल, पता नहीं कुछ कुछ नाम देकर और बड़ा डिस्काउंट का अमाउंट लिख करके उस पर आप उसको बेचते हैं, राइट। और जनरली इसका पर्पस ये होता है कि आपके पास टाइम कम बचा है और आप निपटाना चाहते हैं सामान, नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर जो है पुराना सामान बेच रहे होंगे। जैसे गर्मियों में टी शर्ट बिकती हैं, कॉटन ट्राउजर्स बिकते हैं, इस तरीके की चीजें बिकती हैं, जो सर्दियों में बिकते हैं वो मटेरियल ये नहीं बिकता, टी शर्ट नहीं बिकेगी सर्दियों में इंडिया में, दिल्ली में तो टी शर्ट नहीं बिकेगी, तो टी शर्ट का स्टॉक, व्हाई डू यू वांट टू कीप टी शर्ट स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर, मे बी द फैशन विल चेंज, मे बी द कलर्स विल चेंज, मे बी यू नो द टाइप ऑफ साइज दैट यू आर सेलिंग राइट नाउ विल चेंज इन फ्यूचर, तो आप क्यों रखना चाहोगे, रिस्क हो जाएगा, बिजनेस में स्टॉक नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप वॉश सेल्स करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की सेलिंग मेथडोलॉजीज हैं। पेमेंट कुछ हम देख लेते हैं। इमीडिएट पेमेंट आप कर सकते हैं जिसको कैश पेमेंट बोलते हैं, और इसके ऊपर आपको ट्रेड या कैश डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। इमीडिएट पेमेंट इज अ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट में आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप क्रेडिट हो जाएंगे बैंक के लिए, सेलर को तो इमीडिएटली पैसा मिल जाता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए आप जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक को पे करते हैं। डिफर्ड इंस्टॉलमेंट प्लान के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है ये भी बता दिया। डिफर्ड पेमेंट एट द एंड ऑफ क्रेडिट पीरियड, ये भी एक तरीका होता है कि आपने क्रेडिट पर सामान को बेचा और पेमेंट के टाइम पर उसने बोल दिया कि ठीक है 3 महीने बाद या 1 महीने बाद या 1 महीने 15 दिन के बाद आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, उसका एक बिल बना दिया, उस पे लिख दिया क्रेडिट
टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज. बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ेंगे मेरे ख्याल से, या हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे. तो उसमें ये डेफर्ड पेमेंट जो होता है उसमें आता है कि आपने आज सामान खरीदा बट पेमेंट आप एक महीने या 15 दिन के बाद कर रहे हैं. जर्नल एंट्रीज में, फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स ऐसे क्रिएट होते हैं, बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल्स ऐसे क्रिएट होते हैं. तो ये जो है डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आपको मैंने बता दिए. सेलिंग प्रोसीजर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग रिटेल और होलसेल ट्रेड के बारे में. एनी क्वेश्चंस प्लीज बताइए.